तो चलिए दोस्तों, लेके आ गए हम सबके लिए एक और जबरदस्त वीडियो। दोस्तों जो इस वीडियो में जानने वाले कि दोस्तों आपके पास कोई सा भी फोन हो, आप जो इसका स्पीड बहुत ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो में आगे जान लेते हैं कि आखिर आप जो है कोई भी फोन का स्पीड कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए ऑल करिए, ताकि आपको हमारे वीडियोस के सब नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे ही वीडियो को अपलोड करते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आपका जो फोन स्लो होता है उसका पीछे का जो सबसे मेन रीजन है वो है आपका इंटरनल स्टोरेज। जी हाँ दोस्तों, आपका जो इंटरनल स्टोरेज है वो जैसे जैसे फिल होते जाएगा दोस्तों, उसके बाद आपका जो फोन का परफॉर्मेंस है वो एकदम कम होते जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप जो कोई भी एक मेमोरी कार्ड को यूज कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों जो मेमोरी कार्ड क्वालिटी होना चाहिए वो अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि दोस्तों आपने कोई भी एक 150-100 रुपए वाला जो मेमोरी कार्ड है उसमें लगा दिया, ऐसा नहीं चलेगा दोस्तों। आपको जो है एक अच्छा सा कोई भी एक अच्छा ट्रस्टेड ब्रांड का एक मेमोरी कार्ड अपने फोन में लगाना होगा, ताकि दोस्तों उसका जो स्टोरेज है वो मेंटेन रहे। दोस्तों आपके फोन में जो आपको एक क्लीनर का ऐप मिल जाएगा, या फिर दोस्तों आपके फोन में अगर एक सिक्योरिटी का ऐप होगा, अगर आप एमआई फोन यूज करते हैं तो दोस्तों वहां पे आपको एक सिक्योरिटी का ऐप देखने को मिलेगा। वहां पे दोस्तों आपको जो है वहां पे एक क्लीनर का ऑप्शन देखने को मिले, दोस्तों आपको जो स्पीड है वो बूस्ट अप हो जाएगा। दोस्तों आपको जो है बस बूस्ट स्पीड में क्लिक कर देना, उसके बाद दोस्तों ये जो प्रोसेस है आपको पर डे रात को परफॉर्म करना है। दोस्तों अगला जो प्रोसेस है दोस्तों, उसमें जो है आपको अपने फोन को रिबूट करना है। दोस्तों रिबूट करने से आपको जो फोन है बहुत अच्छा हो जाता है। दोस्तों ये जो टास्क है आपको वीकली परफॉर्म करना है, मतलब हर वीक में दोस्तों लगभग एक बार आपको जो अपने फोन को रिबूट करना है। अब दोस्तों लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। दोस्तों नेक्स्ट प्रोसेस ये है हमारे पास कि दोस्तों आपको जो है अपने फोन को लगभग 7 to 8 months में दोस्तों आपको जो है हार्ड रिसेट मारना चाहिए। क्यों दोस्तों? ऐसा करने से आपका जो फोन वो बिल्कुल नया हो जाएगा। दोस्तों वहां पे अगर बाय चांस कोई वायरस या फिर जो अलग अलग जो मैलवेयर होते हैं अगर वो आ गए होंगे, तो दोस्तों फॉर्मेट मारने से वो सारे जो मैलवेयर और वायरस है वो सब भी क्लियर हो जाएंगे, और साथ ही दोस्तों आपको जो इंटरनल स्टोरेज है वो भी क्लियर हो जाएगा। अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं अगले प्रोसेस की। तो दोस्तों अगले प्रोसेस में आपको जो है कोई भी क्लीनिंग एप्स को नहीं इंस्टॉल करना है आपके फोन में। दोस्तों आपका जो सिक्योरिटी ऐप है या फिर आपका जो क्लीनर ऐप है वही सफिशियंट है। आपको कोई भी थर्ड पार्टी ऐप नहीं इंस्टॉल करने हैं। दोस्तों प्ले स्टोर से भी आपको कोई भी क्लीनिंग एप्स नहीं इंस्टॉल करने हैं। उसके बाद दोस्तों अगला प्रोसेस, आपको जो अपने फोन में ज्यादा एप्स को नहीं इंस्टॉल करना है, क्योंकि दोस्तों अगर आप ज्यादा एप्स को इंस्टॉल करें तो दोस्तों आपको जो इंटरनल स्टोरेज वो फिर से भर जाएगा और आपका जो फोन है वो स्लो हो जाएगा। इसलिए आप जो है बस जितने ही ऐप इंस्टॉल करें जितना आपको जरूरत रहे। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे आपको प्ले स्टोर पे एक नया ऑप्शन देखने को मिल जाएगा जो कि ट्राई नाउ का ऑप्शन, वहां पे जाके आप जो है नए नए ऐप्स को ट्राई कर सकते हैं बिना उसको डाउनलोड किए। दोस्तों आप जैसे ही आपका काम खत्म हो जाएगा उसके बाद दोस्तों जो डेटा है वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगला प्रोसेस, आपको जो है यहाँ पे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर, ये तीनों में से कोई भी चीज का जो ऐप है अपने फोन में नहीं इंस्टॉल करना है। आप जो है हालांकि फेसबुक लाइट, इंस्टाग्राम लाइट, ये सब पे यूज कर सकते हैं। और दोस्तों मैं तो बस आपको यही रेकमेंड करूंगा दोस्तों, आप जो इन सारे ऐप्स को क्रोम से ओपन करिए। दोस्तों आप जो है क्रोम डाउनलोड कर लीजिए अगर आपके फोन में नहीं है तो। दोस्तों आप जितने भी जो अलग अलग ऐप्स ओपन करते हैं उसको जो है दोस्तों आप क्रोम से ओपन करिए। इसे दोस्तों जो बाकी 5 ऐप का काम है वो दोस्तों क्रोम जो है वो अकेले ही 5 ऐप का काम कर लेगा। आप जो है फेसबुक को भी क्रोम से खोलिए, इंस्टाग्राम को भी क्रोम से खोलिए और ट्विटर जो है उसको भी क्रोम से खोलिए। इससे दोस्तों आपका जो स्टोरेज है वो भी नहीं भरेगा और दोस्तों आपका जो फोन है वो फास्ट भी रहेगा। और दोस्तों सबसे मेन कारण जिसके वजह से आपका जो फोन है वो स्लो होता है, आप जो भी डाउनलोड करते हैं दोस्तों आप जो इसको एज इट इज छोड़ देते हैं, आप जो इसको कभी डिलीट नहीं करते हैं। दोस्तों आप अगर अपने डाउनलोड्स के फोल्डर में जाके देखिए तो दोस्तों वहां पे आपको डाउनलोडेड में बहुत सारे फाइल्स देखने को मिलेंगे, जिसको दोस्तों आपको एकदम क्लियर करते रहना चाहिए। हालांकि दोस्तों आपने जो बस इसको डाउनलोड किया, आप उसका यूज नहीं, दोस्तों आपको उसको डिलीट कर देना चाहिए। आप जो अपने फोन के डाउनलोड सेक्शन में जाइए और वहां पे जो भी आपको एप्स और फाइल्स देखने को मिलते हैं उसको तुरंत अनइंस्टॉल कर दीजिए। दोस्तों तो हमारा जो फोन है वो दूसरा सबसे मेन रीजन से इसलिए भरता है क्योंकि दोस्तों वहां पे हमारे फोन में रहता है व्हाट्सएप। जी हाँ दोस्तों, व्हाट्सएप में हमारे बहुत सारे फाइल्स और मीडिया रहते हैं जिसका हमें उतना जरूरत नहीं रहता है, उसको जो है दोस्तों आप जाके डिलीट कर सकते हैं। और अगर आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि दोस्तों मैं आखिर इतने इतने मतलब इतने 1000 फोटोज, 100 वीडियोज में से कैसे सेलेक्ट करके डिलीट करूंगा, तो दोस्तों आप जो यहाँ पे काम में ले सकते हैं गूगल के फाइल्स को, या फिर दोस्तों आपके पास अगर एमआई का फोन है तो आप जो है एमआई का सिक्योरिटी ऐप को भी यूज कर सकते हैं डीप क्लीन में। दोस्तों आप जो है गूगल फाइल्स और एमआई सिक्योरिटी के डीप क्लीन ऑप्शन से दोस्तों आप जो है अपने व्हाट्सएप को अच्छी तरीके से क्लीन कर सकते हैं। दोस्तों व्हाट्सएप में जितना भी स्टोरेज रहेगा वो भी क्लियर हो जाएगा, इससे दोस्तों आपका जो फोन है बहुत हद तक ज्यादा फास्ट हो जाएगा। दोस्तों लास्ट में आपको यही बोलना चाहूंगा कि दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि दोस्तों आप जो अपने फोन में कोई भी गलत अपडेट मत इंस्टॉल करिए। मान लीजिए दोस्तों अगर आपका जो फोन है वो एंड्रॉइड 7 को सपोर्ट करता है, मान लीजिए आपने एंड्रॉइड ऑडियो इंस्टॉल कर लिया अपने डिवाइस पे, तो दोस्तों आपका जो डिवाइस है स्लो हो जाएगा। हालांकि आपको डिवाइस को फास्ट होना चाहिए बट दोस्तों वो स्लो हो जाएगा क्योंकि दोस्तों वो एंड्रॉइड 8 के साथ कॉम्पेटेबल नहीं है। और साथ ही दोस्तों कोई जो है आप इधर उधर के लॉन्चर मत इंस्टॉल करिए, आपके फोन में जो डिफॉल्ट लॉन्चर है आप उसको इंस्टॉल करिए। हालांकि दोस्तों आप जो अगर आपको लॉन्चर यूज करना है तो आप पोको लॉन्चर इंस्टॉल कर सकते हैं क्योंकि दोस्तों वो जो है वो लाइट है।
तो दोस्तों अगर आपको कोई लॉन्चर इंस्टॉल करना है या फिर अपडेट इंस्टॉल करना है तो दोस्तों अपडेट तो आप बहुत सोच समझ के इंस्टॉल करिए, उससे जो आपका फोन बहुत ज्यादा स्लो हो सकता है। और लॉन्चर में तो दोस्तों आप जो पोको लॉन्चर के ऊपर अच्छे से ट्रस्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों जो मैंने सबसे मेन आपको बताया, आपको जो है यहाँ पे अपना फोन का इंटरनल स्टोरेज को नहीं फील होने देना है। आप जो मेमोरी कार्ड भी यूज करिए, बट दोस्तों जो मेमोरी कार्ड होना चाहिए वो अच्छा ब्रांड वाला होना चाहिए, कोई ऐसा सस्ता चीप वाला आपको नहीं मेमोरी कार्ड परचेज करना है। तो दोस्तों बस यही मैं एक वीडियो लेके आया था जिसमें आप जान सकते हैं अपना फोन को कैसे आप फास्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, वंदे मातरम।